प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए आज के वीडियो में क्या है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता लग गया होगा, अगर नहीं देखा तो आप समझ लीजिए। इस चैनल पर ये मेरा लेटर पर तीसरा वीडियो है। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी ऑफिशियल लेटर, जिसे हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट से मेरा मतलब है कौन सी चीज कहाँ रखी जाती है, एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, ऑफिसर का नाम, पद का नाम, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, उसका एंडिंग पार्ट क्या होता है, सारी चीजें बताई थी। उसके बाद इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको लेटर पर, फॉर्मल लेटर पर कुछ फिक्स लाइनें बताई थी, बट साथ में आपको पता होगा कि वो लाइनें कब काम में आएंगी। देखिए अगर किसी फॉर्मल लेटर में या ऑफिशियल लेटर में आप किसी पर्सन यानी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत कर रहे हो तो वो लाइनें काम में आती है। अब वो व्यक्ति कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके मोहल्ले का स्वीपर, सफाई कर्मी हो सकता है, आपके स्कूल की लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन हो सकता है, आपके स्कूल का पियोन हो सकता है, या आपके मोहल्ले का पोस्टमैन हो सकता है। तो इन चार व्यक्तियों के खिलाफ अगर आप कोई शिकायत कर रहे हो तो वो फिक्स लाइनें थी, यानी उनसे आपका काम चल जाता है। अच्छा अब आज के वीडियो में क्या है, तो आज के वीडियो में देखिए अगर पर्सन को छोड़कर कोई बैड कंडीशन है, कोई खराब स्थिति है आपके गली मोहल्ले में किसी चीज को लेकर के, तो जो लाइन मैं आपको बताऊंगा काम में ले सकते हो, यानी ये फिक्स लाइंस हैं, इनसे आपका काम चल जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल है, लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों ये है वो फिक्स लाइंस जो किसी फॉर्मल लेटर में या ऑफिशियल लेटर में किसी बैड कंडीशन या बैड सिचुएशन को लेकर आपके काम में आ सकती है। देखिए बैड कंडीशन कैसी हो सकती है, जैसे आपके शहर में चैन स्नैचिंग यानी चैन छीनने की घटनाएं बढ़ रही है, आपके शहर में चोरियां बढ़ रही है, आपके एग्जाम चल रहे हैं और शहर में आपके सिटी में बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर का शोर है, तो कलेक्टर को एक लेटर लिखिए। आपके स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं बहुत खराब है, आपके स्कूल में जो वाटर टैंक है, पीने का पानी है, उसकी व्यवस्थाएं खराब है, तो एक बैड कंडीशन हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी बैड कंडीशंस आपके शहर में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, जैसे आपकी जो गली है उसका जो स्वीपर है, सफाई कर्मी है, वो समय पर नहीं आता, बहुत गंदगी फैली हुई है, तो म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन या मेयर को एक पत्र लिखिए। तो कोई बैड कंडीशन के लिए ये लाइनें आपके काम में आ सकती हैं। अब देखिए इन लाइनों का अर्थ मैं आपको करवा दूंगा, आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, बट उससे पहले एक बहुत जरूरी बात देखिए, वो जरूरी बात ये है, इन लाइनों को देख करके आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या किसी भी बैड कंडीशन के लिए हम इन लाइनों को काम में ले सकते हैं क्या। हाँ आप ले सकते हो, बट अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको हर एक लेटर को उसमें काम आने वाले वर्ड्स के साथ प्रिपेयर करना चाहिए। बट अगर आप अपना काम चलाना चाहते हैं तो ये लाइनें आपको काफी हेल्प कर देंगी। इन लाइनों के साथ आप जो ओरिजिनल कंटेंट है यानी किसी भी लेटर में कुछ खास वर्ड्स, कुछ खास सेंटेंस आने चाहिए, उनको भी आप इनके बीच में मिक्स कर सकते हैं। यानी ये जो कंटेंट है, ये एक ऐसा कंटेंट है, ऐसी लाइनें हैं जो आपका काम चला सकती हैं, आपको अच्छे मार्क्स भी दिलवा सकती हैं। बट अगर आपको एकदम से फुल मार्क्स चाहिए तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हर एक लेटर में जो कंटेंट है उसमें जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस है, उनके साथ याद करना चाहिए, ये आपका काम चला देंगे। तो मैं इनका अर्थ कर देता हूं, उसके बाद आप इनको नोट कर लेना, चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए अब इनका अर्थ कर लेते हैं। देखिए डियर सर या डियर मैडम, ये आपका सैल्यूटेशन हो गया, यानी यहां से आपके लेटर का मेन बॉडी, मेन पार्ट स्टार्ट होता है। अब सैल्यूटेशन के बाद आपको थोड़ा सा पैरा चेंज करके लिखना है, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, नम्र निवेदन करते हुए मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं समस्या पर। अब जो समस्या है ना, जो प्रॉब्लम है, वो पेपर में दी हुई आएगी, जैसे सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकलिटी, तुम्हारे मोहल्ले की सफाई व्यवस्था को लेकर के, इंक्रीजिंग चैन स्नैचिंग इंसिडेंट इन योर टाउन, तुम्हारे कस्बे में या तुम्हारे शहर में चैन छीनने की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर के, या फिर बैड कंडीशन ऑफ योर लाइब्रेरी, इस तरह से हो सकता है, या फिर नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर इन योर टाउन, तुम्हारे शहर में लाउड स्पीकर्स के शोर को लेकर, यानी जो भी प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो पेपर में दी आएगी, उसको आपको यहां मेंशन कर देना है। तो देखिए केवल समस्या को लिख करके, इन आवर कॉलोनी या फिर लोकलिटी या फिर स्ट्रीट या फिर सिटी या फिर स्कूल, यानी पेपर में जहां के भी संदर्भ में वो प्रॉब्लम बताई गई हो उसको आप मेंशन कर दोगे। जैसे इन योर लोकलिटी तो आप लोकलिटी लिख दोगे, इन योर कॉलोनी तो आप कॉलोनी लिख दोगे, इन योर स्कूल तो आप स्कूल लिख दोगे, इन योर सिटी तो आप सिटी लिख दोगे, यानी ये पेपर में दिया हुआ आएगा। तो आप इनमें से या तो ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये लिखोगे, सबको एक साथ नहीं लिखोगे, इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ दिस लेटर इज टू एक्सप्रेस अवर डिससेटिस्फेक्शन
विद द सिचुएशन ऑफ। देखिए इस लेटर का उद्देश्य है असंतुष्टि को व्यक्त करना। डिससेटिस्फेक्शन का अर्थ होता है असंतुष्टि, तो इस लेटर का उद्देश्य है हमारी असंतुष्टि को व्यक्त करना, यानी हम संतुष्ट नहीं है विद द सिचुएशन ऑफ, स्थिति को लेकर, यानी सिचुएशन यानी कोई हालत कोई दशा को लेकर के। अब जो आपने यहां पर लिखा है यानी जो आपकी मेन प्रॉब्लम है उसको आप दोबारा से मेंशन कर दीजिए। इस बात को चाहे तो आप डायरी लेकर नोट कर लो कि आपको कहां क्या लिखना है। नेक्स्ट देखिए, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ ट्रबल, ये चीज हमें बहुत समस्या देती है, बहुत परेशानी देती है। क्या? जिसका आपने मेंशन किया वो चीज, यानी जो इट है ना ये आपकी प्रॉब्लम के लिए आ रहा है। नेक्स्ट है, वी आर लिविंग अ हेलिस लाइफ, हम एक नरकीय जीवन जी रहे हैं। हेलिस का अर्थ होता है नरकीय, तो वी आर लिविंग अ हेलिस लाइफ ड्यू टू इट, हम इसके कारण एक नरकीय जीवन जी रहे हैं, जो भी बैड कंडीशन है उसको लेकर के। नेक्स्ट है, इट हैज बिकम अ डेली रूटीन, ये एक रोजाना की बात बन गई है, मतलब एक डेली रूटीन हो गया है। क्या? जो प्रॉब्लम है वो रोजाना हमारे साथ होती है। नेक्स्ट है, वी हैव कंप्लेंट अगेंस्ट इट मेनी टाइम्स, हमने इसके विरुद्ध कई बार शिकायत की है, बट नो वन लिसंस टू अस, लेकिन हमको कोई नहीं सुनता, यानी हमारी कोई नहीं सुनता है। यू आर अवर लास्ट होप, आप हमारी अंतिम आशा हो, यानी आप हमारी अंतिम आशा की किरण हो, इसलिए हम आपको लेटर लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप गैस कर पा रहे होंगे, आप सोच पा रहे होंगे कि वास्तव में ये लाइनें हमारे काम में आ सकती हैं। इसके अलावा एक खास बात, ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आपका लेटर जिस चीज के ऊपर आए उसके बारे में अगर आपके दिमाग में एक दो लाइनें हैं तो आप उन लाइनों को इसके बीच में काम में ले सकते हैं। माना आपके गली मोहल्ले में बहुत गंदगी फैली हुई है, बहुत डर्ट है, बहुत डस्ट है, बहुत गार्बेज है, आप लिख सकते हो देयर आर हीप्स ऑफ डर्ट एंड डस्ट ऑल अराउंड, चारों ओर गंदगी के ढेर पड़े हैं। अगर आपने ये लाइन और लिख दी तो फिर सोने पे सुहागा, आपके लेटर में चार चांद लग जाएंगे। तो इसी तरह से आप उन लाइनों को जो ओरिजिनल कंटेंट है इनके साथ काम में ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये तो आपकी प्रॉब्लम हो गई, इसके बाद आप सॉल्यूशन क्या चाहते हो, वो लाइनें होती है, ये फिक्स लाइन है, इनको आप याद कर सकते हो, जैसे कि देयरफॉर इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे आग्रह करता हूं टू टेक एन एक्शन, एक एक्शन लेने का इमीडिएटली तुरंत ही, इन दिस मैटर, इस मामले में, ये थोड़ा मिट गया था, तो इसलिए मैं इस मामले में इमीडिएटली तुरंत ही आपसे एक एक्शन लेने के लिए आग्रह करता हूं। उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स फेथफुल्ली, एक्स वाई जेड, मतलब अगर कोई नाम नहीं दिया है तो आप एक्स वाई जेड लिख सकते हो, या फिर क्वेश्चन में अगर कोई नाम दिया है कि यू आर आलोक, यू आर दिनेश, तो आप वो नाम काम में ले सकते हो, उसको आप लिख सकते हो। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप एक्स वाई जेड लिख सकते हो। तो ये है वो फिक्स लाइंस जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। अब आप चाहे तो इनको नोट कर लो, चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये तो हो गया। अब एक खास बात देखिए, इस सेटअप पर ये लास्ट वीडियो है, पिछले दो महीने से मैं उसी में बिजी था, इसलिए इस चैनल पे वीडियो कम आ रही थी, और जो मेरा मेन चैनल है, बड़ा चैनल है महेश गुरुजी, उस पर भी वीडियो बहुत कम आ रही थी। तो जो मेन चैनल है महेश गुरुजी, उस पर तो मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि इस सेटअप पर ये लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो इसलिए है क्योंकि मैंने सेटअप चेंज कर लिया है, एक अलग रूम तैयार करवाया है, उस पर एक बड़ा सा बोर्ड आपको मिलेगा, यानी ये बहुत छोटा बोर्ड है, स्पेस बहुत कम होता है, आप देख पा रहे हो कितनी जगह कम है। तो वो जो बड़ा बोर्ड होगा, थोड़ा एक कैमरा दूर होगा, तो फिर मैं आराम से घूम फिर करके आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूं। और हां, लेटर पर ये मेरा तीसरा वीडियो है। देखिए, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, यानी ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, और जो उससे अगला था यानी इससे पिछले वाला, उसमें मैंने बताया था यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हो तो उसके लिए कुछ फिक्स लाइनें थी जो आप देख चुके हो। और आज के लेटर में कोई बैड कंडीशन, कोई खराब स्थिति को लेकर अगर आपको लेटर लिखना है तो ये लाइनें आप काम में ले सकते हो। इसके अलावा और जो जरूरी वीडियोज हैं नोटिस पर, रिपोर्ट पर, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।